नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से जुड़े व्यापारियों के द्वारा एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अजमेर एसपी को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्लास्टिक व्यापारी का अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने वाले बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। अजमेर व्यापारिक महासंघ से जुड़े व्यापारियों के द्वारा एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर अजमेर एसपी को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। जरिए प्लास्टिक व्यापारी का अपहरण कर फिरौती लेकर छोड़ने वाले बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही अजमेर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई। स्मार्ट सिटी शहर के अनुसार समस्त बाजारों, प्रमुख मार्गों, कॉलोनी में शीघ्र प्रभाव से सीसीटीवी कैमरे लगाने और साथ ही शहर में खराब पड़े सीसीटीवी को चालू करवा कर निरंतर जांच करवा कर व्यवस्था करने की मांग की गई। क्या बात बोली यार आपने अभी है दुर्गेश भैया, वाकई में एक नंबर बात बोली। नरेश भैया ले रहे थे, उन्होंने फिरौती की मांग की थी, पर नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। रिक्वेस्ट करी तब जाकर उन्होंने मतलब बहुत अंदर तक ले गए थे मारने वरने करने के लिए। 20 लाख रुपए उनको अर्जेंट दिए तब जाकर उन्होंने। क्या मानता है आपने, इसकी शिकायत हुई थाने में, कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई चालू है। एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानते हैं नहीं, बस एक का ही नाम जानते हैं। ठीक है, कोई आपकी कोई बात की नहीं, कोई किसी से ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, व्यापारी है नरेश, उसके साथ जो 20 लाख की विरोधी मांगी और उनसे अपहरण करके उनको पिस्तौल की नोक पर उठाया, उसके संदर्भ में श्री अजमेर व्यापार महासंघ और लघु उद्योग भारती और अजमेर के सारे व्यापारियों ने मिलकर ज्ञापन किया। ज्ञापन में एसपी साहब से हमने मांग करी कि तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा व्यापारी। और एक मैं बात जान रहा हूँ, हमने एसपी साहब से एक मांग और करी है कि सोमलपुर में पुलिस चौकी की स्थापना नहीं है, वहाँ पे लगभग 30 से 40 पालरा से सोमलपुर 30 से 40 हजार मजदूर काम करते हैं, 3 हजार फैक्ट्रियां, उनको कोई नहीं। तो एसपी साहब ने हमें तुरंत आश्वस्त किया है कि मैं चौकी भी लगाऊंगा। और हमने हमारे जो नरेश जी है उसके परिवार की सुरक्षा की मांग करी, एसपी साहब ने एप्लीकेशन लेकर और उनको तुरंत परिवार सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति दी। दिनदाड़ी व्यापारी के साथ ये ऐसी घटना होना, मैं घोर निंदा करता हूँ और व्यापार जगत में इसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ और अजमेर के व्यापारी सदा एक और एक रहेंगे, चाहे हमें व्यापारी के लिए कुछ भी करना पड़े, हम हमेशा उनके साथ हैं। अजमेर बंद कराना पड़ा तो हम अजमेर भी पूर्णतया बंद कराएंगे, जैसे कि हमने यूजर चार्जर के विरोध में एक बार अजमेर बंद कराया था, ऐतिहासिक अजमेर बंद हुआ। ठीक है भाई, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं, 24 घंटे नहीं, हमने एसपी साहब को ये कहा है इतवार तक, शाम को 5 बजे हम मीटिंग करेंगे, इतवार तक कार्रवाई, सोमवार को हमारे व्यापारी सारे और अजमेर के जितने व्यापारी है सब मिलकर निर्णय लेंगे, उस निर्णय में आगे की रणनीति जैसी बनाई जाएगी उस हिसाब से काम किया जाएगा।